लॉन्ग टर्म मेमोरी, जब भी गाइस हम लॉन्ग टर्म मेमोरी की बात करते हैं तो ये दो पार्ट्स में आपकी डिवाइड हो जाती है, एक प्रोसीजरल मेमोरी और एक डिक्लेरेटिव मेमोरी। अब देखिए प्रोसीजर मेमोरी क्या होती है कि नोइंग हाउ किसी भी चीज, या फिर जब हम बात करते हैं किसी भी प्रोसीजर से आपका बन जाता है प्रोसेस, तो कोई भी प्रोसेस की जब हम बात करते हैं दैट इज नोइंग हाउ, तो वो किसके अंदर आता है आपका प्रोसीजर मेमोरी के अंदर आता है। और किसी भी डिक्लेरेटिव यानी कि नोइंग दैट किसी चीज के उस प्रोसेस को जानना, वो आपको क्या कहलाता है डिक्लेरेटिव मेमोरी। उस प्रोसेस को कैसे करना है दैट इज प्रोसीजरल, और उस प्रोसेस में क्या है दैट इज डिक्लेरेटिव मेमोरी। फर्दर डिक्लेरेटिव मेमोरी आपकी दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाती है, एक पार्ट आता है आपका सिमेंटिक, सिमेंटिक के अंदर आती है आपकी आती है जनरल नॉलेज, जैसे कि अगर मैं पूछूं कि आपसे वर्ल्ड वॉर कब फाइट हुआ था तो आप क्या कहोगे कि वो फर्स्ट में या सेकंड की, जिसकी भी हम बात हो रही है, तो आपकी किसके अंदर आएगी सिमेंटिक मेमोरी क्या आएगी। और एपिसोडिक मेमोरी के अंदर आती है आपकी पर्सनल एक्सपीरियंस, जो भी आपको कभी भी मेमोरेबल रहे, जैसे कि आपकी शादी, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी क्या रहेगी, ये आपकी क्या रहेगी एपिसोडिक मेमोरी के अंदर आएगी। राइट, तो यहां तक सब क्लियर है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी डिक्लेरेटिव वर्सेस प्रोसीजर, यानी कि डिक्लेरेटिव वर्सेस प्रोसीजर, नोइंग दैट वर्सेस नोइंग हाउ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिल सके। दिस इज कैफ इन शॉर्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखिए यहाँ पर डिक्लेरेटिव क्या था हमारा, डिक्लेरेटिव था नोइंग दैट, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ताकि आपको बार बार और अच्छे से समझ में आ जाए। डिक्लेरेटिव क्या था हमारा, नोइंग दैट किसी भी प्रोसेस को जानना कि उसके अंदर क्या है। प्रोसीजर क्या क्या था कि नोइंग हाउ कि उस प्रोसेस को हमें करना कैसे है। राइट, तो इससे और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। डिक्लेरेटिव मेमोरी इज रिकॉल ऑफ द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन सच एज डेट्स, वर्ड, फेसेस, इवेंट्स एंड द कंसेप्ट। उनको क्या करना, रिकॉल करना, जो कि क्या है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है, किसी भी एक पर्टिकुलर डेट को, कोई भी वर्ड्स, फेसेस, जैसे कि वर्ड्स में क्या जाते हैं कि जैसे कि किसी ने क्या कोट करा है। राइट, फेसेस, इवेंट्स, जैसे कि आइंस्टाइन का फेसेस, उनके इवेंट्स किसी पर्सनल इवेंट में, या फिर उनके कंसेप्ट जैसे कि E इज गोस टू एम सी स्क्वायर। प्रोसीजर मेमोरी में क्या आता है, नोइंग हाउ में क्या आता है कि प्रोसीजर मेमोरी इज रिकॉल ऑफ हाउ टू डू थिंग्स, किसी भी प्रोसेस को हम कैसे कर रहे हैं, सच एज स्विमिंग और ड्राइविंग ए कार। राइट, कि अगर कोई स्विमिंग कर रहा है तो उसे कैसे स्विमिंग करनी चाहिए, ड्राइविंग करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, दैट इज इट कम्स इन टू कैटेगरी ऑफ द प्रोसीजर मेमोरी। डिक्लेरेटिव मेमोरी एज दैट विच कैन बी टॉक अबाउट और वर्बलाइज। डिक्लेरेटिव मेमोरी क्या होती है कि जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं और या अबाउट के बारे में। राइट, क्या हो सकते हैं, या तो हम उसके बारे में बात कर सकते हैं और उसे हम वर्बलाइज भी कर सकते हैं। वर्बलाइज के अंदर मतलब क्या है कि यहाँ पर आप उसके बारे में याद कर सकते हो और बता सकते हो। प्रोसीजर मेमोरी यूज विदाउट द पर्सनल इंटेंशनली थिंकिंग अबाउट इट। अब देखिए जैसे कि मैं बात करता हूँ कि कॉल आती है। राइट, तो कॉल आती है तो आप डायरेक्ट क्या करते हो, उसे पिकअप कर लेते हो, तो यानी कि वो क्या है, वो आपकी प्रोसीजर मेमोरी में आ गया। अब लेकिन अगर हम उसके बारे में बात कर रहे हैं कि भाई हमें कौन सा फोन लेना चाहिए, दैट इज योर डिक्लेरेटिव मेमोरी। उस प्रोसेस के बारे में बात करना, उसे वर्बलाइज करना, उसे याद करना, दैट इज डिक्लेरेटिव मेमोरी। और अचानक से सडनली से उस क्या क्या कर लेना, इनटेंशनली थिंकिंग अबाउट इट, जैसे कि एग्जाम में कोई चीज आप उसे सोच रहे हो, तो वो क्या हो गया, वो आपका प्रोसीजर मेमोरी के अंदर हो गया। स्टैटिक मतलब स्लो एक्सेस रहता है, बिकॉज ये क्या है, फैक्ट्स हैं, डेट्स हैं, इवेंट्स हैं, तो ये क्या रहता है, कभी भी आप किसका, आपका होगा कि ये फेस तो मैंने कहीं देखा देखा से लग रहा है। राइट, तो स्टैट्स है तो कहीं ना कहीं ये क्या रहती है, बहुत सारा कहीं ना कहीं स्लो एक्सेस रहता है, आपको कंफ्यूज करती है चीजें। डायनेमिक क्या रहता है, फास्ट एक्सेस रहता है, बिकॉज दे आर नॉट फैक्ट्स, आपको लगेगा कि ये आंसर है तो यू कैन राइट, बट अगर मैं पूछूं कि भाई बक्सर का युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ा गया था, तो आप थोड़ा बहुत सोचोगे कि हाँ शायद यहाँ लड़ा गया था, बिकॉज कि वो क्या है, फैक्ट्स हैं, वो चेंज नहीं हो सकते। बट आपका आंसर अगर मैं पूछूं कि आज आपका दिन कैसा गया है, तो आप उसके बारे में लिख सकते हो। राइट, तो ये क्या है, ये डायनेमिक है, जो कि आपका क्या हो, चेंज हो सकता है, तो जो चेंज हो सकता है वो उसका फास्ट एक्सेस आप उसके बारे में बता सकते हो। इजी टू एक्सप्रेस कैन पुट देम इनटू वर्ड्स, व्हाई इट इज इजी टू एक्सप्रेस, बिकॉज दे आर द जनरल फैक्ट्स। राइट, जनरल फैक्ट्स हैं तो आप उसके बारे में बता सकते हो, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट दैट। डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस कैन नॉट बी पुट इनटू वर्ड एज इजली, व्हाई, बिकॉज देखिए ये फैक्ट्स नहीं है, फैक्ट्स नहीं है तो जो सामने वाले को आपको समझाने में एफर्ट डालने पड़ेंगे, अपने आप को समझाने में आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे। अब अगर मैं बात करूं कि कोई भी चीज है, जैसे वर्ल्ड वॉर की हम बात करते हैं, तो जो सबसे पहला वर्ल्ड वॉर था वो 1942 1918 में क्या था,
अब आप जब कभी भी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की बात करोगे तो जब भी आप इस टर्म का यूज करोगे 1942-98 तो क्या रहेगा आपके सडनली मेमोरी में रहेगा कि हाँ जो आपके स्टूडेंट्स हैं या फिर जो सामने इंडिविजुअल है उसको भी पता है बिकॉज इट्स ए फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। बट तब कभी आप किसी प्रोसेस को समझा रहे हो राइट तो आपको क्या लगा रहेगा कि भाई क्या पता इस इंडिविजुअल को या इस स्टूडेंट को इसके बारे में नहीं पता है। तो आप वहां पर क्या होते हो वहां पर एक्सप्लेन करना वर्ड्स को पुटअप करना इन द राइट डायरेक्शन इट इज लिटिल बेटर इन द हार्ड वे। स्टोर एक्सप्लिसिट इंफॉर्मेशन दैट इज नोइंग दैट समवन इज समथिंग इज इन द केस राइट। क्या करता है आपकी एक्सप्लिसिट इंफॉर्मेशन को क्या करता है स्टोर करता है जैसे कि Knowing that something is the case कि अगर कोई भी चीज है तो ये इट मे पॉसिबल कि भाई ये चीज हुई है राइट। स्टोर इम्प्लिसिट इंफॉर्मेशन दैट इज नोइंग हाउ टू डू द समथिंग कि उस चीज को कैसे हमें करना है जैसे कि अब मैंने ऊपर भी बताया था। डिक्लेरेटिव मेमोरी आर जनरली अवेलेबल रिगार्डलेस ऑफ द करंट सर्कमस्टांसेस। डिक्लेरेटिव मेमोरी क्या रहती है हमेशा अवेलेबल रहती है किसी भी करंट सर्कमस्टांसेस को लेकर जो फैक्ट है दैट इज ऑलवेज विल बी ए फैक्ट that is they are independent on the context no matter what is the condition or criteria right now jo aapke facts hain wo kya rahenge same hi rahenge। procedural memory are more sensitive to the current context। ab suppose kare ki kisi individual ka mood acha hai to he or she will give you the right context of the answer or the question that you ask वो आपको अच्छे से बताएगा लेकिन अगर उसका मूड वहीं पर ही खराब है तो वो आपको अच्छे से आंसर नहीं देगा। थस इट इज डिस्क्राइब्ड दैट द प्रोसीजर इसके अलावा कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट। क्यों कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द मेनी थिंग। इट मे पॉसिबल कि अभी घर में उसके कुछ कंडीशंस चल रही हो कुछ कंडीशन वरी हुई हो राइट तो ये क्या रहता है प्रोसीजर आपका कंटेक्स्ट पे डिपेंडेंट करता है। मीन वाइल जो डिक्लेरेटिव होता है वो किसी भी कंटेक्स्ट पे डिपेंडेंट नहीं रहता है इनडिपेंडेंट रहता है। तो ये था डिक्लेरेटिव वर्सेस प्रोसीजर मेमोरी। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आया है तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करना ना भूलें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग कीप ब्रदर नोट्स ऑफ मेमोरी। दिस इज कैफीन शॉट। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।